और अब खबर झालावाड़ के डग से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने चौमहला और सिलेगढ़ में आमसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने विधानसभा में जनता से किए वादे अभी तक भी पूरे नहीं किए हैं। किसान आज भी 2 लाख रुपए माफ होने के इंतजार में बैठा है, जनता को बिजली नहीं मिल रही है और विकास कार्यों को भी पूरी तरह रोक दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए राजे ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है।